तभी कैसे हो सारे? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। और आज है सकर चौथ व्रत, तो मैं करने जा रही हूँ वही पूजन वगैरह। तो आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ सकर चौथ की, गणेश जी का पूजन किस तरह से होगा, तो वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा। अब सबसे पहले होगा गणेश जी का श्रृंगार। तो जो सुबह में कपड़े पहने थे उन्हें हटाकर मैंने दूसरे जो नए वस्त्र हैं वो पहनाऊंगी, नए कपड़े वो पहनाऊंगी। और इनके जो और भी चीज़ें हैं, माला वगैरह, वो भी मैं इनको पहना दूंगी अभी। और इन मुकुट है गणेश जी का, तो मुकुट मतलब पगड़ी वाला स्टाइल में जो मुकुट आते हैं ना, वो है, बड़ा प्यारा सा लगता है, वही इन्हें पहनाऊंगी। ये है मुकुट। तो अब हो गए हैं गणेश जी तैयार। अब करेंगे हम गणेश जी का पूजन। तो उससे पहले मैं दीपक और अगरबत्ती ये जला लूंगी, उसके बाद करेंगे गणेश जी का पूजन। पूजन हो चुका है और अब समय है गणेश जी का भोग लगाने का। तो उसके लिए मैंने बनाया है तिल और गुड़ वाले लड्डू और जो खाना बना था वो। तो बस मैं वही भोग लगा रही हूँ गणेश जी का, अग्यारी में कर ले आई थी पहले ही, उसकी क्लिपिंग नहीं ऐड की है ऐसे लाते हुए, वो सब फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी वीडियो में ऐड की है। और बस उसके बाद अब मैं कथा सुनूंगी। और कथा जो देवरानी जिठानी वाली जो कथा है, जिस पे कि एक देवरानी गरीब रहती है और जिठानी बहुत अमीर, तो वो वाली कथा ही मैंने गणेश जी वाली सुनी है। पूजा हो चुकी है, अब मैं जाऊंगी चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। नीचे पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ चंद्रमा की पूजा करने। और मुझे नहीं पता, भी शायद हो सकता है कि भी निकले भी ना हो, तो ऊपर चल कर ही पता चलेगा कि चंद्रमा उदय हो चुके हैं या नहीं। तो चलिए छत पर चलते हैं, बट वहाँ पर वीडियो प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा।
अभी भी नहीं आया है। और ये देखिए हमारे बगल वाली फैमिली है, वो उनकी भी पूजा की थाली ऊपर ही रखी हुई है और हमारी भी। मैंने दिया भी जलाया नहीं है क्योंकि पता था कि टाइम लगता ही है, और वो भी अभी गई हुई है नीचे दूसरा दिया लेने के लिए, क्योंकि ये तो हो जाएगा, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। ये था सकट चौथ स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के लिए। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में, मिलूंगी अपने नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।